एब्स्टिनेंस वाइटल बिहेवियर है वाकई कि अपने वालदैन की फर्मा बरदारी करें, फॉलो करना। अब देखे ना कितने लोग हैं जिनको ये अच्छा लगता है, मजेदार लगता है कि उनकी जिंदगी स्केड्यूल हो, उनका उठने का, सोने का, खाने का, पीने का, हर चीज का, जाने आने का टाइम और डिसिप्लिन हो। कितने लोगों को डिसिप्लिन जिंदगी अच्छी लगती है, मगर कामयाबी इसी में है, फलाह इसी में है, चाहे वो नशे का मरीज नहीं भी है। कितने लोग हैं जिनको डिसिप्लिन लाइफ अच्छी लगती हो, मगर फलाह इसी में है, कामयाबी इसी में है। और एडिक्शन से वाली जो है उसके लिए भी रूटीन का फॉलो होना, डिसिप्लिन होना, सेल्फ डिसिप्लिन होना, अपना खुद नींद का, दवाई का, हर चीज का ख्याल रखना, सोने का, उठने का, हर चीज का ख्याल रखना, ये बहुत अहम है जी। और लेना, मान लेना मैं मरीज हूं, ये एक वाइटल बिहेवियर है। और बहुत सारे मरीज ये नहीं मान पा रहे होते कि मैं एक मरीज हूं और इस बीमारी ने मेरी जिंदगी को अनमैनेजेबल बनाया है, इस बीमारी ने मेरी जिंदगी को खराब किया है, इस बीमारी ने मेरी जिंदगी को काफी सारे मसाइल में डाला है। तो मान लेना भी, जितनी जल्दी मरीज मान लेता है उतनी जल्दी वो बहाली की तरफ सफर का आगाज करता है। तो मान लेना, सीखना, पढ़ना, समझना वाइटल बिहेवियर है। जो भी नशे का मरीज अपनी बीमारी के बारे में सीख रहा है, समझ रहा है, पढ़ रहा है किताब के जरिए से या कैसे भी किसी लिटरेचर से, जो भी अपनी बीमारी के बारे में सीख रहा है तो वो एक वाइटल बिहेवियर अप्लाई कर रहा है फॉर एडिक्शन रिकवरी। नया स्किल सीखना, नई महारत सीखना भी एक वाइटल बिहेवियर है। इसीलिए लिखना सीखना, पढ़ना समझना, और ये वैसे भी हमारी ब्रेन की हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है। जो लोग नए इलम सीखते हैं, नई महारतें सीखते हैं, उन लोगों की ब्रेन हेल्थ भी ज़्यादा अच्छी रहती है एज कम्पेयर टू जो लोग बस एक तरह की जिंदगी गुजारते रहते हैं। फॉलो अप करना है बीमारी से बहाली का एक वाइटल बिहेवियर है, तो वो अपनी गोल तक पहुंच जाते हैं। जो मरीज अपने फॉलो अप को तोड़ने लगते हैं, आगे पीछे होने लग जाते हैं, उनके लिए कुछ और अहम हो जाता है, तो फिर जल्द ही वो कहीं और पहुँच जाते हैं। सच बोलना भी एक वाइटल बिहेवियर है, बिल्कुल एडिक्शन से बहाली में सच बोलना भी वाइटल बिहेवियर है। कह सकते हैं मेडिसिन, अगर किसी को मेडिसिन रिकमेंडेड है तो मेडिसिन खाना भी एक वाइटल बिहेवियर है।